नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, दो ऐसी कार मेकर्स जिन्होंने काफी सालों से अपने कस्टमर्स के दिल में जगह बनाई है। एक कंपनी के कारों की स्पेशियलिटी है फ्यूल बचाना, और दूसरे कंपनी के कारों की स्पेशियलिटी है फ्यूल डलवाने वाले को बचाना। और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। लेकिन ये भी बहुत छोटी और कॉमन सी बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी से ज्यादा इम्पोर्टेंस फ्यूल डलवाने वाले की होनी चाहिए, क्योंकि जब वही नहीं रहेगा तो फ्यूल डलवाएगा कौन। लेकिन ये सारी चीजें काफी लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वो थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए अपने सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा इन दोनों कंपनियों की कार्स के आप लोगों ने कई सारे एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छे से पता होगा। मारुति सुजुकी की सिर्फ एक ही गाड़ी को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, जो है विटारा ब्रेजा। कंपनी की लगभग सारे कार्स में ये एक अकेली कार है जिसको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। बाकियों को 0, 2 और 3 स्टार्स तक ही मिल पाए हैं। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के कारों को देखा जाए तो उसके लगभग सारे गाड़ियों ने 4 और 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं, और यही 4 और 5 स्टार रेटिंग्स रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में भी दिखाई पड़ते हैं, जिसका एक एग्जांपल टाटा एल्ट्रोस और मारुति सुजुकी सेलेरियो का ये छोटा सा एक्सीडेंट है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये एक्सीडेंट केरला में हुआ है। अब ये कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। फोटोज में आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेलेरियो ने अल्ट्रोस को पीछे से हिट किया है। हो सकता है सेलेरियो के ड्राइवर ने अनकंट्रोल होकर लड़ाया हो, या हो सकता है अल्ट्रोस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया हो। जो भी हुआ है ये लो स्पीड में हुआ है, क्योंकि सेलेरियो के एयरबैग्स ओपन नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बोनेट, बम्पर, ग्रिल और फेंडर डैमेज हो गया है। उम्मीद है अंदर बैठे पैसेंजर्स सेफ होंगे। दूसरी तरफ टाटा एल्ट्रोस को देखा जाए तो इसमें एक माइनर सा भी डेंट नहीं आया है। हैचबैक का बम्पर तक अपनी जगह से नहीं हिला, वो वैसे ही मजबूती के साथ इंटैक्ट है। यही वजह है कि मैं बोलता हूँ इस कंपनी के लोहे से मजबूत इस कंपनी का प्लास्टिक है, क्योंकि हर एक्सीडेंट में ये चीजें क्लियरली दिखाई पड़ती हैं। हालांकि टाटा मोटर्स के अलावा भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी गाड़ियां काफी सेफ होती हैं। आप एक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार लेने से पहले उन सभी को जरूर देखें। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।